बोलिए गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। दादा गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। तपोभूमि मथुरा की जय। देवात्मा हिमालय की सप्तर्षियों की गंगा मैया की नर्मदा मैया की गौ माता की पावन भूमि आमलखेड़ा धाम की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पते। अभी हमारे बीच में हमारे वरिष्ठतम प्रतिनिधि है, सब परिजन उनको अच्छी तरह जानते हैं, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमारा परिवार एक पारिवारिक संगठन है और पारिवारिक संगठन का संगठन चलाना कितना मुश्किल होता है, वह संगठन के दायित्व वहन करने वाले कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं। एक छोटे क्षेत्र का संगठन अपना परिवार का संभालना, जहां कोई दंड की, जहां कोई कानून की व्यवस्था नहीं, केवल प्यार दुलार और नैतिकता के बलबूते चलने वाला अपना पारिवारिक संगठन, पूरे समग्र परिवार के हमारे संगठन के जोनल समन्वयक आदरणीय कार्यचरण शर्मा जी भाई साहब विनम्रता और शालीनता की लबालब मूर्ति के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, तीव्र स्मरण शक्ति के धनी है और परम स्वाध्यायशील जिनका स्वभाव रहा है, ऐसे हमारे अग्रज बड़े भैया हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी को बहुत ममत्व अपनत्व प्रेम दुलार और मार्गदर्शन प्रशस्त करके संगठन को बड़ी भांति वहन करने वाले भाई साहब को मैं आदर से निमंत्रित करूंगा। आइए भाई साहब, हम सभी कार्यकर्ताओं को आयोजन के बाद में किए जाने वाले कार्य को विषय के लेकर के आ रहे हैं, आयोजन के बाद हम कौन से कार्य को करेंगे वह विषय पर भाई साहब अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आइए कालीचरण भाई साहब जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे शांतिकुंज से पधारे हुए श्रद्धेय वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब, आदरणीय डॉक्टर मीन मोहन गौड़ जी, भाई दिनेश पटेल जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे जानी साहब राजू भाई दवे जी, और प्रथम पंक्ति में बैठे हुए बहुत ही गणमान्य हमारे शांतिकुंज जिसके अश्वमेध के का जो आयोजन हुआ था यहाँ पर, उसके प्रभारी भी यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि नवनीत भाई पटेल, और उसके कमेटी में सरज भाई ओड वाले, और गांधी जी किरीट भाई गांधी, और भी लोग होंगे जो उस समय समिति में रहे होंगे। उस समय मैं तो अश्वमेध में एक और इंजीनियर भाई यहाँ पहले से आके काम कर रहे थे, रणवीर सिंह, मैं तो आयोजन के समय आया था, और आप में से किसी भाई ने माता जी के साथ हवाई जहाज में मेरी वापसी करा दी थी ताकि मैं अगले आयोजन में जा सकूँ, तो वंदनीय माता जी के साथ सफ़र करने का मुझे अवसर मिला था। वंदनीय माता जी प्लेन में जो मिलता है खाने वाने के लिए उसको नहीं खाती थी, वो तो बिल्कुल अपना वही जो एकदम परम सात्विक भोजन ही लेती रही होंगी, और उनके बाद वहाँ से गाड़ी में बैठ के हरिद्वार भी मैं उन्हीं की गाड़ी में बैठ के गया था। और मुझे अपने स्मरण शक्ति में है कि निश्चित रूप से यहाँ पर सजावट में और भी चीज़ों में क्वालिटी में माइक सिस्टम लाइट सिस्टम जो भी लगे हुए थे उसमें शायद उस समय का सबसे बड़ा खर्च करने वाला अश्वमेध था, ये बहुत बड़ा खर्च हुआ होगा, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, पर शायद 1 करोड़
उस समय के अश्वमेध यज्ञ में खर्च हुआ था। आज के पैसे के हिसाब से देखें तो 1993 का 1 करोड़ अभी शायद 20 करोड़ नहीं तो 50 करोड़ के आसपास होता होगा। इतना बड़ा खर्च उस समय हुआ था और निश्चय ही पूरे विश्व के लोग उससे प्रभावित हुए थे। मुझे मालूम है कि मंच की जो सजावट थी वो क्रेन बुला के की है, क्रेन वाले आके काम कर रहे थे तो वो सजावट हुई। तो वो कौन सी बात है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए? अश्वमेध तो जैसे कि अभी श्रद्धेय वीरेश्वर भाई साहब बता रहे थे कि वो तो देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का प्रारूप था वो अश्वमेध यज्ञ। और अब जो चल रहा है वो देव संस्कृति पुष्टिकरण अभियान है। हमें खाद पानी डाल के उस संस्कृति के वैभव को पेड़ पौधे को और बड़ा करने जैसा है। क्योंकि विनोबा जी की बात एक मैं याद करता हूँ, वो तो भूदान यात्रा में कहीं से गुजर रहे थे और पानी बरसने लगा तो पास के एक बिल्डिंग में घुस गए वो। तो वो स्कूल का बरामदा था जहाँ वो घुसे। अरे ये तो स्कूल है, वो तो पढ़ाने में उनको बहुत मज़ा आता था। वो अंदर क्लासरूम के अंदर चले गए तो सब बच्चे टीचर सब खड़े हो गए उनके सम्मान में और उन्होंने बिल्कुल पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बच्चे से पूछा तुम्हारी अवस्था कितनी है? तो बच्चे ने कहा बाबा 9 वर्ष। तो उन्होंने कहा नहीं 5009 वर्ष। फिर दूसरे बच्चे से पूछा तुम्हारी अवस्था कितनी है? बाबा 11 वर्ष। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम्हारी अवस्था है 5011 वर्ष। तो एक बच्चा और खड़ा हो गया और उसने उन्हीं से पूछ लिया बाबा आपकी अवस्था कितनी है? तो उन्होंने कहा 5067 वर्ष। उस समय विनोबा जी 67 साल के रहे होंगे। फिर उन्होंने इसका उत्तर दिया कि क्यों मैं तुमको 5000 साल बढ़ा के कह रहा हूँ, भले तुम लोग उतने पुराने हो जितने इस देश की संस्कृति पुरानी है। हम लोग सबकी आयु इतनी है और वैसे तो भारतीय संस्कृति कहते हैं प्रमाण मिले हैं कि कम से कम वेद के मंत्र 20,000 वर्ष से इस संसार में इस वायुमंडल में आकाश में घूम रहे हैं। तो ऐसे तो सबके आयु में जोड़ना पड़ेगा 20,000 अमुक वर्ष। तो उसका पुष्टिकरण का मामला है। हमारे गुरुदेव ने इसी किताब के पहले ही पैराग्राफ में एक बड़ी विचित्र बात लिखी है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी जो शहीद हो गए थे फांसी के फंदे पे झूल गए थे और ऊपर स्वर्ग में बैठ के वो क्या बात कर रहे होंगे। उन्होंने लिखा वे ये बात कर रहे हैं कि हमने राजनीतिक आज़ादी तो दे दी इनको पर इन्होंने इनको सुसंस्कृत बनाना था, भारतवर्ष को सुशब्द बनाना था, ये तो कर नहीं रहे। तो वो लोग बात करते होंगे और दुखी होते होंगे। ऐसे गुरु जी का पहला पैराग्राफ है, फिर बाद में वो किताब ही पूरी उसके ऊपर है। तो अब हमारे ऊपर भी ये बहुत बड़ी बात आ गई है क्योंकि बहुत पुरानी बात है। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू देने गया था 93 में। तो डॉक्टर साहब भी हमारे बाजू में खड़े थे और अमेरिकन का मैंने पहली बार देखा कि कांच की दीवार होती है उसके इस पर स्पीकर होता है, माइक होता है, उस पर स्पीकर और माइक होता है। हमारी सांस को अमेरिकन अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। तो उसने वहाँ से प्रश्न किया व्हाई यू वांट टू गो टू अमेरिका? तो मैंने कहा टू प्रोपेगेट रिलीजन एंड कल्चर टू देम आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु हैव गॉन टू अमेरिका ए लॉन्ग बैक। तो उसने तुरंत कड़कते हुए आज में फिर पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर। अब ये प्रश्न छोटा सा तो है पर इसके उत्तर में तो किताब लिखी जा सकती है कि संस्कृति में और धर्म में क्या फर्क है, वो पूछ रहा था अंग्रेजी में। तो मुझे गुरुजी के एक लाइन ने बचा लिया। एक गुरुजी का फोल्डर है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, इसकी पहली लाइन ये है धर्म आभ्यांतरिक वस्तु है और सभ्यता बाह्य और संस्कृति दोनों के बीच का सेतु है। इसी बात को मैंने अंग्रेजी में उसको बता दिया कि ये द कल्चर इज अ ब्रिज बिटवीन देम, ऐसे बताया।
तो तुरंत उसने ठप्पा उप्पा लगा दिया और मेरा वीजा ग्रांट हो गया। भाइयों बहनों ये बात सच है कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को हृदयंगम कराना, उन पर लोगों को चलाना, सुसंस्कृत बनाना, सुसभ्य बनाना, इसकी बहुत बड़ी जरूरत अभी है। ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, एक मनीषा पंड्या नाम की एक बहन थी, 20 साल की रही होगी, 95 में आई थी शांति को, और हम वो प्रज्ञा एक के पास कुछ कर रहे थे, तो जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में होता है ऐसे हक करते हैं लोग आगे बढ़ के, तो हक करने के लिए शांति कुंज में दौड़ी हमारी तरफ काली भाई, तो हमने हाथ जोड़े, नहीं नहीं यहाँ शांति कुंज में ऐसा हक नहीं करते हैं। तो लेकिन उसने बड़े जोश से ये बताया, काली भाई मैं अभी कुछ दिन पहले 10 यूरोपीय देशों को 15 दिन में अकेले घूम के आई हूँ, कहीं पर बस से सफ़र किया, कहीं हवाई जहाज से सफ़र किया, कहीं पर ट्यूब रेल से सफ़र किया और हवाई जहाज से भी सफ़र किया और होटलों में रुकी अकेले, और अकेले मैंने पूरे यूरोप को घूम के आ गई। तो ये बात मैं आज भी याद करता हूँ कि मेरे देश की एक 20 साल की लड़की अभी 7 राज्यों में या 10 राज्यों में अकेले घूम करके वापस अपने घर में शायद पहुंच नहीं पाई, यानी देश गिर गया है, पतित हो गया है, उठाना पड़ेगा। और ये गुरुदेव ने अखंड ज्योति में 1940 के लिखा है, विवेकानंद के द्वारा एक स्टेंजा छपी हुई है उसमें 1940 की अखंड ज्योति में विवेकानंद कह रहे हैं जिस देश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है उस वहां पर आध्यात्मिकता का ह्रास हो जाता है, 1940 में लिखा है। तो हमारे देश में तो आज 2018 में आपको दिखता होगा कि जैसे मनुष्यता आध्यात्मिकता इसका ह्रास हो चुका है, तब ये कैसे ठीक होगा, ये भारतीय संस्कृति को फिर से ऊपर लाने से ठीक होगा, फिर से गायत्री माता के जब तब से ठीक होगा। चंदे डॉक्टर साहब एक बार शांति कुंज के गोष्ठी में तुलसीदास जी का उदाहरण दे के बताए थे कि तुलसीदास जी गुस्से के मारे बंद हो गए थे सन्यासी, अपनी पत्नी को जीवन भर के लिए छोड़ दिया था, और उसकी पत्नी बेचारी क्या हालत हो गई थी उसकी, रात को 12 बजे बाढ़ आई हुई नदी में लठ समझ के जिसको तैर के पार हुए, वो लठ नहीं था वो तो तैरता हुआ शव था किसी मनुष्य का, और जिसको रस्सी समझ के अपनी पत्नी के कमरे में दूसरी मंजिल में चढ़े वो तो सांप था, रस्सी नहीं थी, और अर्धरात्रि को अपने पत्नी के कमरे में उपस्थित हो गए। तो उसकी निर्लज्जता देख करके लाज के मारे गड़ गई उसकी धर्म पत्नी कि बोले लोग क्या कहेंगे घर करो इस तरह से 12 बजे रात को इस तरह से चोरों की भांति। तो उसने वो बात कही थी, मेरे मुझसे इस हाड़ मांस के शरीर से जितना आप प्यार करते हो उसका 10वां हिस्सा भी प्रभु राम के चरणों से किए होते तो तुम भी धन्य हो जाते और मैं भी धन्य हो जाता। लेकिन ये बात तो उनको बहुत चुभ गई, और उन्होंने तो जीवन भर के लिए जैसे अपनी पत्नी को छोड़ दिया और सन्यासी हो गए। लेकिन सन्यासी होने के बाद भी उनकी मानसिक भावना ठीक नहीं हुई थी, काम वासना पूरी तरह शांत नहीं हुई थी, और उस तरह के विचार आते रहे होंगे। तो कहते हैं फिर वो गई कैसे, वो जनकपुरी में जाकर, उस जमाने में जो जनकपुरी थी वहाँ पर झोपड़ी बना के 6 महीना रहे, और पानी के लिए जाने वाली बहन को, कपड़े धोने वाली किसी बहन को, बच्चा लेकर के घूमने वाली बहनों में सब में उन्होंने माता जानकी अथवा उसके किसी सखी अथवा कुछ ऐसा दर्शन करना शुरू किया। फिर 6 महीने में उनकी काम वासना पूरी समाप्त हो गई। तो ये बात तो आज भारतवर्ष में और जरूरी हो गई है, भारतवर्ष में जितनी घटनाएं रोज होती हैं उतना तो पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में महीने भर में भी नहीं होती होंगी।
इसका मतलब देवियों की पूजा करने वाला ये देश पाखंडी हो चुका है, पाखंड करता है, जो बोलता है उस पर चलता नहीं। इसको ठीक कौन करेगा? गायत्री परिवार। फिर से सबके घर घर में गायत्री उपासना प्रचलित करनी पड़ेगी। और हमारे गुरुदेव ने क्या किया, 18 साल की लड़की को, तो जो गायत्री माता का चित्र है वो 18-20 साल की लड़की जैसे बैठी हुई है, उसमें पवित्र दृष्टि से देखना शुरू करो, तब इस देश का पतन रुकेगा। भाइयों बहनों, ये पुष्टिकरण अभियान के अंतर्गत ये सब प्रयोग अभी उसमें हो रहे हैं, और कुछ और व्रत दिए जाएंगे जो किस तरह के होंगे मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। गुरुदेव 10 बुलेटिन लिखे थे 1986-87 के कार्यक्रमों में। हमारे आदरणीय ब्रजमोहन गौड़ भाई साहब उस समय टोली नायक के रूप में गुजरात में घूम रहे थे, और बड़े बड़े वो बताते हैं, ऐसे चमत्कारों का वर्णन करते हैं कि जो इनके पास आते थे, साहब मेरा पेट दुखता है, मेरी घर गृहस्थी गड़बड़ है, या मेरा गुजारा होता नहीं है, तो उनके एक फार्मूला था इनके पास, शायद गुरु जी ने कहा होगा, तभी वो कहते थे इस यज्ञशाला की 4 परिक्रमा कर लो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और लोगों की परेशानी दूर होती थी, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी, गुरु जी ने ऐसी बात इनको भर दी थी और ये बात पूरे उसमें बोलते थे। लेकिन बाद में हमें पता चला ये माता जी के तरफ से जो पत्र जाते हैं, 10 बुलेटिन जाते थे, कुछ पत्र आयोजन के पहले, कुछ पत्र आयोजन के बीच में, और बाद में 1 या 2 पत्र जाते थे माता जी के। हम लोग तो कार्यक्रम विभाग में काम करते थे तो पता लिखते थे हम लोग, माता जी के दस्तखत होते थे और पत्र चला जाता था। एक दिन मैंने देखा वो पांडुलिपि, वंदनिया माता जी का पत्र लिखा किसने था, वो परम पूज्य गुरुदेव लिखते थे उस पत्र, क्योंकि पांडुलिपि हमारे हाथ लग गई, और उसमें तुम्हारी माता शब्द भी गुरु जी ने ही अपने हैंड राइटिंग में लिखे थे। तो छपते भले हो माता जी के नाम से, लेकिन लिखने वाले थे परम पूज्य गुरुदेव। तो 10वां पत्र मुझे याद है कि उन्होंने क्या लिखा था, तो आपको भी 10वें पत्र के बारे में जरा सोचिए। उसमें ये लिखा था, आयुष्मान फलाने आशीर्वाद, जब तक यह पत्र तुम्हें मिलेगा तुम्हारे यहाँ का 108 कुंडी यज्ञ संपन्न हो चुका होगा, पर समाप्त नहीं हुआ है, उसके एक अध्याय की समाप्ति हुई है। समाप्त तो उनके लिए हुआ है जो टेंट वाले, बिजली वाले, माइक वाले, दरी वाले, इनके लिए आयोजन समाप्त हो गया, पर तुम्हारे लिए एक अध्याय की समाप्ति हुई है और दूसरा अध्याय शुरू हो गया। तो तुम्हारा काम क्या है, जो इससे जुड़े हैं इस यज्ञ के माध्यम से उनसे संपर्क बनाए रखना होगा, उनका जन्मदिन मनाने, विवाह दिन मनाने, सामूहिक नवरात्रि अनुष्ठान में भागीदार बनाने, उन्हें समय दान अंश दान के लिए प्रेरित करने, इससे इस सरल रचनात्मक कार्यक्रमों से उन्हें जोड़ना होगा। इनमें से जो अधिक भावनाशील होंगे वो कल को कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चल सकेंगे, मैंने युग निर्माणी बन जाएंगे। तो वास्तविक लक्ष्य क्या है हमारा, ये जो बड़ौदा का जो शहर है जहाँ पर अश्वमेध पहला वाला हुआ, तो जितने आप गायत्री परिवार के लोग हैं और बाकी जो कार्यकर्ता आएंगे, वो तो जैसे कुंभ में से जो बताया जाता था उसको लेके, उस जमाने में एक ऋषि मुनि के जो भी ज्ञान को लेके पैदल जाते थे लोग, और रास्ते में पढ़ने वाले गाँव में उस ज्ञान को फैलाते जाते थे। तो इस रजत जयंती वर्ष में जो यज्ञ होगा, जो नई स्थापनाएं होंगी, जो करने के लिए कर्तव्य आपको बताए जाएंगे, उसको पूरे गुजरात के गांव-गांव में फैलाने का काम इस अश्वमेध के आयोजक भाइयों बहनों कार्यकर्ताओं का है, क्योंकि केवल गायत्री जप देने भर से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि गुरु जी ने भी केवल जप नहीं कहा है। प्रज्ञा पुराण के प्रथम भाग में विष्णु नारद संवाद को आप देख लीजिए, उसमें भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे नारद कितनी अच्छी बात है, जो मेरी इच्छा है वही तुम्हारी भी इच्छा है, तुम भी लोकमंगल के लिए आए हो और मैं भी लोकमंगल ही चाहता हूँ, तो क्यों ना ऐसे करें नारद, आधा काम हम करें आधा काम तुम करो। नारद जी फंस गए वहाँ पर, फिर वो बोलते हैं प्रभु मुझे क्या करना होगा, तो बताते हैं कि जागृत आत्माओं को ढूंढो
और उनको कहो कि वो मेरे आने का मार्ग प्रशस्त करें, मैं प्रज्ञा अवतार के रूप में आने वाला हूँ। तो फिर वो पूछते हैं नारद, भगवान मैं कैसे जानूंगा कौन जागृत आत्मा है कौन नहीं? तो बोलते हैं बहुत सरल है नारद, सबसे पहले तुम युग की पुकार को सुना देना, समय की मांग को सामने रख देना, जिनमें जीवन होगा, जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे, वे चुप नहीं बैठे रहेंगे, वो जिज्ञासा प्रकट करेंगे और संपर्क साधेंगे, उन्हें समझ लेना वो जागृत आत्मा है। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मैं समझ गया कि जागृत आत्मा कौन है, पर इनसे क्या करना कराना है? तो फिर भगवान विष्णु कहते हैं तुम उन्हें वह तत्व ज्ञान देना जिसे अमृत, पारस और कल्प वृक्ष कहा गया है। तो उस गायत्री के तत्व चिंतन से उनकी प्रज्ञा जागृत होगी, जिनकी प्रज्ञा जागृत होगी तो अपना आत्मनिर्माण करने में सफल होंगे, और जो आत्मनिर्माण करेगा वही विश्व निर्माण करेगा नारद, भले ही ऊपर से देखने में ये कितनी भी कठिन क्यों ना दिखती हो। मैंने ये तत्व ज्ञान है, गायत्री का तत्व चिंतन भी करना है। तो गुरु जी ने तो अबाद रूप से गायत्री के बारे में तत्व चिंतन पाठ को भी बहुत लिखा हुआ है, तो अब क्या करना होगा? हमारा काम ही वही है, क्योंकि बाकी काम तो गुरु जी और माता जी की गुरु सत्ता अपने सूक्ष्म और कारण शरीर से बराबर कर रही है, तो हम लोगों के लिए क्या काम छूटा? एक ही काम छूटा है भाइयों बहनों, जो गुरु जी ने लिखा भी है, घर घर द्वार द्वार जाकर के दस्तक देना और उन्हें ये बताना कि दुनिया बदलने वाली है, भगवान इसे बदलने में लगे हुए हैं, तुम भी बदल जाओ। हाँ, लेकिन ये बात है कि वो बात हमारी कब मानेंगे? जब हम खुद बदले हुए जलते हुए दीपक की तरह हो जाएंगे तो वो भी हमारा कहना मानेगा। ये है बड़ा काम। अब ये जो है ना, ये 251 कुंडी यज्ञ वास्तव में एक जैसे ज्ञान के विस्फोट जैसे कोई चीज है। विस्फोट शब्द है, उससे विस्फोट बना है। विस्फोट का अर्थ होता है प्रकाशन, जोरदार इस बड़े विचार का प्रकाशन होने वाला है। विस्फोट का मतलब लोग बम जैसा भी मानते हैं, चाहे वैसा भी मान लो, लेकिन इस विस्फोट में कोई एकाध लाख लोग या इससे भी अधिक लाख लोगों तक ज्ञान का संदेश पहुंचेगा। गुरु जी का ज्ञान जो उनके जीवन को बदलने में समर्थ है। हाँ, लेकिन वो टेम्पररी होगा, एक बार में 3 दिन के कार्यक्रम में विस्फोट हो जाए, लेकिन उसको परमानेंट बनाने के लिए आपको घर घर जाना ही पड़ेगा। आखिरकार गायत्री परिवार के पास ये आयोजन के बाद दोहरी भूमिका है, नहीं तो क्यों किया? आपने खेत जोता, बीज बोया, खाद पानी डाला, रखवाली की, और फसल काटने के समय नदारद हो गए। नहीं, फसल काटने के समय नदारद नहीं होना है। इस आयोजन के बाद आपका काम थोड़ा धीरे धीरे चलने वाला है, लेकिन बढ़ रहा है वो काम। वो काम तो किए बगैर इस आयोजन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है? इस मानव जाति को, खासतौर से भारत में बसले हुए लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठावान बनाना पड़ेगा। हमारे गुरु जी ने उसी वो उसमें लिखा है, वो जो 8 पेज का फोल्डर है उसमें लिखा है, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। जितने देवी देवता हैं इसी के द्योतक हैं, और इन्हीं गुणों को आत्मसात करना है, यही भारतीय संस्कृति। समझदारी गायत्री माता, ईमानदारी लक्ष्मी माता, जिम्मेदारी सरस्वती माता, और बहादुरी दुर्गा माता। और देवताओं में लो, गणेश समझदारी, विष्णु ईमानदारी, ब्रह्मा जिम्मेदारी, और शिव बहादुरी। आखिर इन्हीं लोगों की हम पूजा करते हैं, इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं हमारे भीतर, तब ये देश जगत गुरु चक्रवर्ती ऐसा बन जाता है। और अभी तो हमारा देश ऐसा नहीं दिखाई देता, तो फिर क्या तरीका है? उन्हीं नुस्खों को फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक जब अश्वमेध की गोष्ठी हो रही थी भोपाल में, तो एक आदमी था गायत्री परिवार का, वो जापान से लौटा था, जापान, तो वो भी भाषण दिया। तो उसने अपने भाषण में एक बात बताई कि जापान में मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो जैसे भारत में बैठते हैं लोग इधर,
और अपना जूता रखते हैं सामने वाले सीट में, तो वैसे वो जूता रखा हुआ था। तो एक जापानी बच्चे ने उसको मना नहीं किया, लेकिन उसका जूता उठा के अपना रुमाल, साफ रुमाल उसके जूते के नीचे रख दिया। इसको समझ आ गया, कह रहे यार ये क्या कहना चाहता है, मेरे देश के ट्रेन के उसको गंदा मत करो। तो अच्छा, फिर वो बात हो गई। फिर टीटी उसके बाजू से गुजरा, तो इस हमारे भारतीय आदमी ने पूछा, जो आपके देश में ट्रेनों में बिना टिकट सफर करते हैं उसके लिए क्या सजा है आपके यहाँ? तो भौचक्का हो गया वो टीटी, बोला कि बिना टिकट के कैसे कोई सफर कर सकता है, यानी उसके देश में एक भी आदमी बिना टिकट के सफर नहीं करता। तो यहाँ चले जाइए मुंबई, मुझे पता चला है कि 1,00,000 लोग प्रतिदिन बिना टिकट सफर करते हैं और 25 साल से कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने टिकट खरीदा ही नहीं। तो ट्रेन की पटरी कितने करोड़ रुपए में बनती है 1 किलोमीटर, और ट्रेन का डब्बा कितने करोड़ रुपए में बनता है, लेकिन वो तो टिकट नहीं लेने वाले हैं। यानी 3 रुपए और 5 रुपए के लिए भी अपने जमीन को बेच दिया। जब तक इसको ऊपर नहीं उठाएंगे भाइयों बहनों, तो असली काम आपको समझ में आ गया होगा। वडोदरा को ये सौभाग्य मिला है कि इस विस्फोट का केंद्र बिंदु अभी वडोदरा बनने वाला है। तो यहाँ से शुरू होगा, पर यहीं रुका नहीं रहेगा, वडोदरा में पूरे देश में जाएगा ये। और गायत्री परिवार के भाई बहन जहाँ भी होंगे, इसको पूरे जीवन में बो देने जैसा कार्य करेंगे। असली जिम्मेदारी उन कार्यकर्ता भाइयों बहनों की हो जाएगी, अपने आप को पहले सुधारेंगे तब दुनिया सुधरेगी, अपने जीवन को बदलेंगे तब प्रवाह को वो पलट सकेंगे, और यदि अपने आप को नहीं बदलेंगे, यदि उनका दिया जलता हुआ नहीं रहेगा, तो कोई दिया नहीं जलेगा। भाइयों बहनों, गुरु जी का तो वांग्मय में एक बहुत बड़ा लेख है, उसी में दीप यज्ञ के बारे में बहुत बड़े बड़े लेख हैं, पढ़िएगा आप। 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 1 और 2 वांग्मय, उसमें गुरुदेव एक जगह कह रहे हैं, जब सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो ऐसी अंधेरे से तमिश्रा से भरे हुए रात्रि में मेरे नन्हे नन्हे दीपकों तुम तो जलो। यानी किसको कह रहे हैं? गायत्री परिवार के भाइयों बहनों को कह रहे हैं, तुम तो जलो, अपने दीपक को लेकर जलो और इस अंधेरे को चीर दो, आज इसी की जरूरत है। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार का हर भाई बहन, मेरे गुरुदेव के शब्दों में मैंने एक ही बार सुनी है उनके मुंह से ये बात, ऐसा कहा था, मैं तुम सबको 1 अंश का प्रज्ञावतार बनने की छूट देता हूँ। इससे बड़ी बात तो मैंने कभी सुनी नहीं, 1 अंश का प्रज्ञावतार है गायत्री परिवार का हर भाई बहन। हाँ, लेकिन छूट है ये, कभी उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमको भी साधना करनी पड़ेगी। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा में उपेक्षा बिल्कुल नहीं बरतनी पड़ेगी। युग निर्माण सत्संकल्प को रोज रोज अपने साथ घिस कर एक एक सूत्र को एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में लेते हुए अपने आप को युग निर्माण का चलता फिरता मंदिर बनाना पड़ेगा। अपने अंग अवयवों को पढ़ करके उसके एक एक सूत्र से अपने आप को मिला के देखना पड़ेगा, क्या मैं वैसा बन सका जैसे हमारे गुरुदेव हमको बनाना चाहते थे? ये प्रश्न है। इस प्रश्न को सबके दिल में जोर से धड़काने के लिए आया हुआ है ये कार्यक्रम। बाकी गांव-गांव जाना है वो तो सही बात है, गुरु जी ने ऐसे नारे नहीं लगाए उस जमाने में। अखंड ज्योति में छपा था ये नारा, पाक्षिक में छपा था, प्रज्ञा अभियान नाम की पत्रिका में छपा था। तीसरा भाग में भूल गया हूँ, 2 तो मुझे याद है। 10 गांव के राजकुमार, 10 गांव के जमींदार, समथिंग समथिंग होनहार, ऐसा था वो। तीसरे में गुरु जी क्या कह रहे हैं, हमारे श्रद्धेय वीरेश्वर भाई सब बता सकते हैं। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, 10 गांव के जमींदार बन जाओ ना तुम, 10 गांव के राजकुमार बन जाओ, पर क्या करना होगा? युग निर्माण करना होगा। यहाँ पर बैठी हुई हर बहन हर भाई, मान लो गांव नहीं जा सकती बहनें, तो अपने कॉलोनी को ही गांव मान लें और घर घर जाकर के जगाने का काम तो करें।
यही काम छोड़ा है गुरुजी ने हमारे लिए, बाकी काम तो गुरुजी अभी भी कर रहे हैं। सारे नेताओं के दिमाग को दिमाग से दिमाग का टक्कर मारने में गुरुजी लगे हुए हैं। सारे बड़े वैज्ञानिकों, सारे बड़े पैसे वालों, कलाकारों, लेखकों के दिमाग को लोकमंगल में लगाने के लिए गुरु सत्ता काम कर रही है। हमारे लिए क्या काम बचा? यही काम बचा, अपने आप को बदलो और जलते हुए दीपक की तरह लोगों से जाके संपर्क करो और उनको भी बदलने के लिए विवश कर दो। ये ठीक है कि हम कोई मारपीट के थोड़ी बदलने वाले हैं, हम लोग तो समझा के बदलने वाले हैं। कितनी बार समझाएंगे? तो शंकराचार्य की किताबों में मिलता है, यदि 100 बार में कोई ना समझे तो 121वीं बार समझाऊंगा। वो समझाने में बिल्कुल हिम्मत नहीं हारने वाले शंकराचार्य। तो गायत्री परिवार के लोग भी हिम्मत नहीं हारने वाले। ये ठीक है, एक बात गुरुजी के अखंड ज्योति में छपी थी, किसी आदमी ने बंदूक के गोली के जैसा प्रश्न किया था, पुरानी अखंड ज्योति 1952 वगैरह की। गुरुजी से आदमी पूछ रहा था, आचार्य जी आप लोगों पर कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके मनोकामना पूरी करते हैं, पर देखा गया है जिन पर आपकी कृपा होती है वो तो बाद में समाज का कोई काम नहीं करते, तो फिर आप इन पे कृपा करते क्यों हैं? क्या आप अपना प्रचार करना चाहते हैं? ये प्रश्न था। तो अखंड ज्योति में गुरु जी का उत्तर क्या था? नहीं नहीं नहीं, हम तो इसलिए ऐसा करते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि अध्यात्म में शक्ति है और इससे दूसरों की सहायता की जा सकती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सहायता पाने के बाद भी कुछ नहीं करते। तो जैसे किसान खेत में बीज फेंकता है, आधे बीज उगते हैं आधे बीज नहीं उगते हैं, लेकिन किसान का काम चल जाता है, उसी तरह हमारा भी काम चल जाता है। ये पक्की बात है कि आपके 50% लोग कहना नहीं मानेंगे, समाज में लोग नहीं मानेंगे। तो आप घोड़े को या गाय को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पर पानी तो गाय पिएगी ना, तो आप घोड़े को पानी दिखा सकते हैं पर पानी तो वही पिएगा। तो फिर बस यही है, 50% लोग आपका कहना मानेंगे, 50 लोग नहीं मानेंगे। एक किताब है गुरु जी की, बाकी तो और कार्यक्रमों की चर्चा उसी समय होगी, वो उस किताब का नाम है वृक्षारोपण एक पुनीत पुण्य, यानी बहुत पवित्र पुण्य कार्य है। कौन सा? वृक्षारोपण। अब वो गुरु जी की वो किताब जरूर 19 तब की लिखी है जब हमारे देश की आबादी 40 करोड़ हुआ करती होगी, उस जमाने की किताब है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि 40 करोड़ में से 20 करोड़ को इस बात के लिए सहमत किया जाए, कम से कम हिंदू जाति को सहमत करो कि जो अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगा दे प्रतिवर्ष, तो इस देश की पूरी जलवायु को बदला जा सकता है। तो अब कितनी आबादी हो गई, आज गुरुजी के बात को बोले तो क्या बोलना पड़ेगा, 130 करोड़ आबादी है भारतवर्ष की, तो उसमें 65 करोड़ लोगों तक पहुंचना पड़ेगा आपको। तो उनको इस बात के लिए दिशाबद्ध किया जा सके, चाहे लेख लिख के करो, आयोजनों में व्रत दिलाओ, जन्मदिन को पेड़ गिफ्ट करो, कोई बहुत सारे तरीके हैं। हमारे शक्तिपीठों के आसपास जरूर नर्सरी बनाओ ताकि उनको लोगों को पेड़ बांटा जा सके। और 65 करोड़ पेड़ यदि इस देश में प्रतिवर्ष लग सकें तो देश सबसे खुशहाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन वाला देश बन जाएगा। भाइयों बहनों, गुरु जी की बातों को और जोर से समझने का समय आ गया है। ये ठीक है कि सभी काम सभी लोगों को नहीं करना है, डरने की कोई बात नहीं है। आप तो ये कहेंगे अखंड ज्योति में हर बार 10-20 काम छप जाते हैं, तो गुरु जी की किताबों में और 100 बातें छपी हुई हैं। एक किताब है मेरे पास, मुझे पहले उस किताब को मैंने देखा था, आप जरूर पढ़िएगा, कार्यकर्ता पाथेय, और एक है कार्यकर्ता आचार संहिता। वो कार्यकर्ता आचार संहिता में गुरु जी 20 बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्सूत्री योजना का सार है ये 20 बातें, इनको लेके हमारे परिजनों को पूरे समाज में करना चाहिए काम। तो 20 बातों में सबको ना करो तो एक को तो कर लो, जो आपके सबसे करीब का काम है, आपके नज़दीक में जो लोग रहते हैं उसकी सेवा करने का काम शुरू कर दो। कहावत है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, सोचो तो पूरे विश्व को ध्यान में रखे, पर करो अपने पास में जिनको सेवा की जरूरत है उन्हीं का ध्यान में रखे।
आपको सेवा करने के लिए 2000 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, सेवा तो आज आपके आसपास में ही जरूरत है, वहीं पे काम करो। तो आपके आसपास कौन सी सेवा का कार्य है, और हमारे गुरु जी के 20 में से नहीं तो 100 सूत्रों में से नहीं तो सब आंदोलनों में से आपकी रुचि सामर्थ्य और भावना से मेल खाता हो, उसको इस यज्ञ के पहले नहीं तो बाद में करना पड़ेगा। गायत्री परिवार तभी भी सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन है संसार का, तो उसको एग्जेगरेट करने की जरूरत नहीं है कि हम हैं इतने करोड़ और उसको आप बोल दो कि इतने करोड़। इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि आप हो ना सबसे बड़े, सो जब सबसे बड़े हो तो एग्जेगरेट क्यों करो। हाँ, लेकिन जो भी गायत्री परिवार के लोग हैं वो काम तो जरूर करें। काम करना क्यों जरूरी है? जो काम करता है उसी ब्रह्मवेत्ता को श्रेष्ठ माना गया है उपनिषदों में। जो केवल भजनानंदी हो गया उसका कोई महत्व नहीं है। बाद में भगवान का काम कौन सा कर रहे हैं आप? आखिर भगवान आए मनुष्य के रूप में और सारी कठिनाइयां झेली जो किसी मनुष्य को होती हैं, उसके बाद आपको काम सिखा के गए, उनमें से कोई एक काम तो आपके लिए होगा। फिर मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है गुरुजी की किताबों में, यदि आप काम करते हुए भी उदास हैं तो इसका एक बड़ा सा कारण है क्या, आप उस काम को नहीं कर रहे हैं जिसके लिए भगवान ने आपको चुना है, तब तक आप उदास रहने वाले हैं। और जिस दिन आपने वो काम समझ में आ गया, ओहो भगवान में से ये काम चाहता है, फिर आप कभी थकने वाले नहीं है ना उदास होने वाले हैं, केवल आनंद ही आनंद आपके जीवन में रहने वाला है। तो बहुत अच्छा है, भले एक काम हो दो काम हो, 100 में से 2 काम तो ऐसा होगा जिसमें आपको करने से आनंद आ जाए। सभी काम को सब भाई बहन नहीं कर सकते, उसके लिए तो गुरु जी जैसा कोई दूसरा आदमी होगा तो वो भले शायद करे, नहीं तो बाकी कौन करेगा भाई। जरूर 1, 2, 4, 5 काम को कर सकते हैं। मैं आपको एक वो देता हूँ मीठी चुनौती, सतसूत्र हमारी सतसूत्री युग निर्माण योजना को पढ़ लो, उसमें निशान लगा लो, तो 5 काम 4 काम 3 काम तो ऐसे मिलेंगे आप कहेंगे ये तो मैं कर सकता हूँ, तो उसको करने लग जाइए। पूरे सब काम को करना तो बहुत ही दुर्लभ मामला है, वो तो आपकी कोई कुंडलनी जाग जाए कुछ और हो जाए, जैसे गुरु जी ने क्या लिखा है कुंडलनी जागने का प्रमाण क्या, गुरु जी के शब्दों में कामना का भावना में परिवर्तन, शुद्रता का महानता में परिवर्तन, परिवर्तन। फिर एक जगह गुरु जी बोले हैं किसी को, उन्होंने बताया जिसकी कुंडलनी जाग जाती है वो काम करने में कभी नहीं थकता। समझ लो कि साहब हो गया मामला, हमारे भीतर वो बात आ गई। और एक लाओत्से नाम के व्यक्ति हुए चीन में, वो कहते हैं जिसको ताओ की उपलब्धि हो जाती है, ताओ कहते हैं ऋक, ऋक शब्द है हमारे संस्कृत में, ऋग्वेद यानी परम सत्य को ऋक कहते हैं। जिसको ताओ उपलब्ध हो गया वो बात करने में कभी नहीं थकता, यानी ज्ञान बांटते 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 आप थकेंगे नहीं। आपको 12 घंटे ज्ञान बांटना पड़े, 10 घंटा ज्ञान बांटना पड़े, आप तो नहीं थकने वाला। तो फिर गुरु जी के काम में कार्य करते करते भी आपका जागरण हो जाएगा आपकी कुंडलनी का। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग सब कुछ गुरु जी के शिक्षाओं में है, इस गायत्री के राजमार्ग में बहुत कुछ है। अच्छा हो किसी कोई एक योग ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी 3 योग भी और होने चाहिए। ज्ञान योग में आप ज़्यादा होंगे तो ज्ञान के मार्ग से बढ़िए, ज्ञान बांटिए। और जैसे विनोबा जी ने तो इसको और सरल कर दिया है आपके लिए, काम में तन्मयता ही हमारा ध्यान है, सोच समझ कर काम करना ज्ञान है, प्रेम पूर्वक काम करना भक्ति है, और समत्व बुद्धि से काम करना योग है। तो कहते हैं ये बहुत सरल हो गया मामला, काम तो करना पड़ेगा, सोच समझ के करते हैं क्या तो ज्ञान योग के साथ कर रहे हैं आप, प्रेम से करते हैं क्या तो भक्ति योग है, और बिना कुढ़े हुए बिना खींचे हुए बिना ईर्ष्या से ग्रस्त हुए बिना झगड़े आप काम कर रहे हैं क्या तो राजयोग कर रहे हैं आप। तो सारा मामला तो काम करने में फिर आ गया रिजोल्यूट होकर के। लेकिन कोई एक चीज़ किसी के जीवन में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बाकी को मिला के चलना है। गुरु जी की एक किताब है ज्ञान योग
कर्म योग भक्ति योग, इस नाम की किताब है गुरु जी की। तो राजयोग क्या है? भक्ति योग और कर्म योग के मिश्रण को राजयोग कहते हैं। तो मूल में तो तीन ही योग हुए ना। तो आप, मेरा समय लगभग हो गया है और मेरे बड़े भाई अभी हमारे गौड़ भाई साहब, ये समझ लो आनंद स्वामी के एक दूसरे संस्करण है। ये जब आएंगे तो जरूर आप हंसाएंगे ये, और हंसते हंसाते आपके पेट में कोई बात जरूर डाल देंगे। मुंह तो खोलेंगे ना आप हंसने के लिए, बस ये आपके मुंह में कोई बात जरूर डाल देंगे और आपसे करवा लेंगे। वो हमारे संचालन करने वाले भाई या बहन आके उनको आमंत्रित करेंगे। ओम शांति।